जोधपुर से दो युवकों की मौत। पुलिस आरक्षक शारीरिक भर्ती परीक्षा में बिगड़ी थी तबीयत। एक युवक की सोमवार को मौत हुई निजी अस्पताल में भर्ती, दूसरे युवक की भी मौत हो गई। 800 मीटर दौड़ के बाद दोनों अभ्यर्थियों की बिगड़ी थी तबीयत। सिवनी और बालाघाट के रहने वाले थे दोनों अभ्यर्थी। जबलपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, दो अभ्यर्थियों की 800 मीटर दौड़ के बाद तबीयत अचानक से बिगड़ गई, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया और भर्ती करने के बाद ज्यादा तबीयत बिगड़ जाने से उनकी मौत हो गई। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए जबलपुर से हमारे सहयोगी फतेह सिंह जुड़े हुए हैं। फतेह सिंह, 800 मीटर दौड़ में दो युवकों की मौत हो गई, डॉक्टरों को क्या क्या कहना है? जी बिल्कुल, आपको बता दें यहाँ ये पूरा जो मामला है ये 6वीं बटालियन का है, जहाँ पर जो आरक्षक भर्ती चल रही थी उस दौरान ये कल दो युवक यहाँ बेहोश हो गए थे, जिसको लेकर कल ही जो एक युवक है उसकी मौत हो गई थी, और जो एक बालाघाट का लानी का रहने वाला था उसका निजी अस्पताल में इलाज चल रहा था, जहाँ पर आज सुबह उसकी भी डेथ हो गई है। इस पूरे मामले पर जो अस्पताल के डॉक्टर हैं उनका ये प्रथम दृष्टया कहना है कि जो कोरोना संक्रमण चल रहा था उस दौरान इन्हें भी जो दोनों को जो कोरोना हुआ था उसके चलते इनके जो हार्ट है उसमें बीमारी आ गई थी, जिसके चलते ये जब दौड़ रहे थे 800 मीटर की दौड़ पूरी कर चुके थे उस दौरान इन्होंने पानी पी लिया था और इसी के चलते इन दोनों को बेहोशी आई और ये वहीं पर बेहोश हो गए थे, जिसके बाद इन्हें निजी अस्पताल ले जाया गया जहाँ पर कल ही एक की मौत हो गई थी और दूसरे की आज सुबह डेथ हो गई है। इस पूरे मामले पर जो परिजन है वो सरासर जो पुलिस भर्ती आरक्षक की चल रही है और उसके अधिकारियों पर लापरवाही का आरोप लगा रहे हैं कि उन लोगों ने ये भरी दोपहर में इन लोगों से दौड़ लगवाई और जिसके चलते ये दोनों मौतें हुई हैं। जी ठीक है फतेह, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए, बने रहिए हमारे साथ।